हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स को। आज के क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और फिर हम स्टडी करेंगे बच्चों एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है ये हमें जानना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें इसमें डील करना है, इस चैप्टर में विद चार्जेस के साथ ही डील करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब देखो बच्चों, जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है बच्चों? दे हैव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। दे हैव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे जैसे हमारे पास है एन ए पॉजिटिव आयन, ठीक है, एम जी टू पॉजिटिव आयन, एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव आयन। इसका मतलब है बच्चों, इस एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, यहाँ पे मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, और एल्यूमिनियम ने थ्री इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। तो देखो बच्चों, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि कोई भी एलिमेंट है उसने 1.5 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। ठीक है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे वो क्या होंगे? हमेशा, ठीक है, इंटीग्रल, दे आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो इसलिए हम बोलते हैं बच्चों चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। सेकंड है बच्चों, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ये तो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक और डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, हमें पता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे। और जबकि अगर हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, सेम तरीके के चार्ज हैं, अगर या दोनों ही नेगेटिव हैं तो दोनों क्या करेंगे बच्चों? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों? चार्ज हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि देखो चार्ज क्या किसी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है? नहीं। ठीक है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, देयरफॉर चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बट बच्चों, तो अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और उस वेक्टर क्वांटिटी की बच्चों डायरेक्शन क्या होगी? इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। अब देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये क्यू वन और ये क्यू टू चार्जेस हैं, ये क्यू वन का सेंटर है, ये क्यू टू चार्ज का सेंटर है, तो जो इनके सेंटर को एक लाइन ज्वाइन करके बनाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी बच्चों, ये इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। अगर मैं ऐसे बना दूँ ना इसकी डायरेक्शन लाइक दिस और लाइक दिस, तो ये इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी जो चार्ज से रिलेटेड है। फिफ्थ है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर इज गिवन बाय। ठीक है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वेयर। देखो आर क्या है बच्चों? यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, 4π कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट होती है बच्चे परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्यू वन क्यू टू क्या होते हैं बच्चों? दोनों चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप बच्चों फिजिक्स में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में आप प्लस टू में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पूरा कम्प्लीटली इसी के बारे में स्टडी करने वाले हो। ठीक है, तो बट हमें यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये फोर्स होता है बिटवीन एनी टू चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे हमें इतना ही स्टडी करना है। सिक्स है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज गिवन बाय व्हेन दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर, देन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर। देखो बच्चों, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे क्या था? आर स्क्वेयर। यहाँ पे क्या बच्चों? ओनली आर है, यही डिफरेंस है। अब देखो बच्चों, ये चीज़ डिपेंड करती है, जो जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं कि उसका फॉर्मूला तो हमेशा एम जी एच होता है। ठीक है, बट बच्चों जो एम जी एच फॉर्मूला होता है वो किस में होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन। ठीक है, पोजिशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास क्या है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी कौन सी फील्ड में पूछी गई है।
ठीक है। अगर हमसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में तो बच्चों चार्जेस के बारे में बात होगी, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर। बट अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, mgh, जो आप पढ़ते हो। देखो जी क्या होता है, जी हमारे पास होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये थे बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस है वो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ठीक है, बट हमें इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए चार्जेस की, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताई है। उसके बाद है बच्चों हमारे पास आता है एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स देखो बच्चों, एटॉमिक मॉडल्स क्या है, एटॉमिक मॉडल्स क्या है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्कस करने के लिए अपनी अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है, और उन्हें ही क्या कहा गया बच्चों, एटॉमिक मॉडल्स। देखो एटॉमिक मॉडल्स आर द मॉडल्स विच वर प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी और डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला मॉडल था बच्चों थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय जे जे थॉमसन, ठीक है, इसलिए उनका नाम, इसके नाम के बेसिस पे ही क्या रखा गया था, इसका नाम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। देखो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने, थॉमसन साइंटिस्ट ने क्या कहा, थॉमसन साइंटिस्ट ने कहा एन एटम इज़ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, कि जो एक एटम है वो क्या है, स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दैम, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दैम, ठीक है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि साथ में उसने ये बात कही कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा ना उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है जो एटम की वो क्या रहे, मेंटेन रहे। अब देखो बच्चों, उसने इस मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर किया। जैसे वाटरमेलन में हमारे पास जो रेड पार्ट होता है उसे तो उसने बोला पॉजिटिव पार्ट, और जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं बच्चों उसने उसे बोला इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर किया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये उससे प्लम पुडिंग, क्योंकि पुडिंग जो हम खाते हैं उससे क्या करता है, ठीक है, उससे मैच करता है, रिजेंबल करता है, तो इसलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अब देखो बच्चों, इस मॉडल की ड्रॉबैक क्या थी, अब ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। वैसे भी ये चीज़ होती है ना कि जो भी साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने तो अपने अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी, बट बाद में जितने भी साइंट, ठीक है, बट बाद में जो कम्युनिटी में जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन अराइज करते हैं कि क्या आपका मॉडल, ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कोई भी इफेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो अगर वो मॉडल उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है तो इट मीन्स वो मॉडल क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज वो मॉडल, उस मॉडल की वो क्या बन जाती है, ड्रॉबैक बन जाती है, ठीक है। तो बच्चों इस मॉडल की ड्रॉबैक क्या थी, ये मॉडल क्यों फेल हो गया था, बिकॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये उसके बाद, देखो थॉमसन मॉडल के बाद रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट आया था, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, अब खुद एक्सप्लेन किया था, तो उस मॉडल के रिजल्ट्स को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है, बिकॉज क्योंकि वो जो वो मॉडल था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उसने काफ़ी सी चीज़, काफ़ी सारी बातों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो और ये वाला जो मॉडल है वो उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसलिए बच्चों ये क्या बन गई, फिर वही चीज़ उसकी क्या बन गई थी, लिमिटेशन। द ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल इज़ व्हाट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों हम रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, इन एक्चुअली बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसके लिए ये चीज़ें, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमें ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो देखो सबसे पहले तो होता है कि उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे है, ठीक है, कि उसने एक्सपेरिमेंट को किया कैसे, या हमें एक्सपेरिमेंट को करना कैसे है।
सेकंड थिंग होती है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की कि क्या क्या हुआ है, ठीक है, दैट आर ऑब्जर्वेशंस। और उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, उन ऑब्जर्वेशंस के बिहाव पे हम कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं कि ये चीज़ हमें ऑब्जर्व हुई, ठीक है, तो ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो मतलब वो क्या होते हैं बच्चों, कंक्लूजन। वहाँ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कंक्लूजन। तो देखो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी कुछ ऐसा ही था। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम स्टडी करेंगे, फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ऑब्जर्वेशन को स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद हम कंक्लूजन को स्टडी करेंगे। तो देखो बच्चों इसे समझने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या लिया था, रदरफोर्ड बम्बार्डेड थिन गोल्ड फॉयल विद अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ये बम्बार्डिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों फर्स्ट वीडियो में। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉयल पर स्ट्राइक करवाया, ठीक है, बम्बार्ड किया, मतलब बम्बार्डिंग की अल्फा पार्टिकल्स की किस पर, थिन गोल्ड फॉयल पर। तो आओ बच्चों इससे पहले हम उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ लें कि वो कैसे होगा। देखो उन्होंने क्या रखा बच्चों यहाँ पे, एक लेड बॉक्स, ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों, लेड बॉक्स, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेड बॉक्स। ये लेड से बना होता है इसलिए इसको क्या बोल दिया है, लेड बॉक्स। अब उसके अंदर क्या रखते हैं बच्चों हम यहाँ पे, ये क्या है बच्चों, सोर्सेज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ऐसा तो है नहीं कि अल्फा पार्टिकल्स को हम ऐसे पकड़ेंगे और बम्बार्ड करा देंगे, तो अल्फा पार्टिकल्स ये बच्चे एमिट करवाने पड़ेंगे ना किसी सब्सटेंस से। तो अब यहाँ पे हमने इसमें प्लेस डाउन किया रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, विच इज़ अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। फिर यहाँ पे क्या लगा दी, स्लिट लगा दी। स्लिट क्या करेगी, स्लिट इज़ लाइक अ विंडो, ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्ट किस पर जाएंगे, थिन गोल्ड फॉयल पर। ये हमारे पास बच्चों फॉयल है। देखो इसमें आपने ये चीज़ पहले भी स्टडी कर चुके हो आप कि ये थिन गोल्ड फॉयल ही हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जो गोल्ड मेटल होती है बच्चों ये क्या होती है, मेलिएबल मेटल होती है, मोस्ट मेलिएबल मेटल, ठीक है, इसके हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेकर चलते हैं, थिन गोल्ड फॉयल इंस्टेड ऑफ एनी अनदर मेटल। उसके बाद बच्चों हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे एक सर्कुलर मूवेबल स्क्रीन लगाते हैं, मतलब ये जो स्क्रीन है ये ऐसे मूव कर सकती है लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे अगर स्कैटर भी होंगे ना डिफरेंट एंगल्स पे, तो ये इसको क्या कर सकती है, कैप्चर कर सकती है और वो पैटर्न आपको दिखाई देगा, ठीक है। और बच्चों ये सर्कुलर मूवेबल स्क्रीन होती है ये क्या होती है, कोटेड विद जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या है बच्चों, एक फ्लोरोसेंट मटीरियल, ठीक है, क्योंकि हमें अल्फा पार्टिकल्स भी ऐसे तो दिखाई नहीं देने वाले ना, जैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दिखाई नहीं देते थे वैसे हमें अल्फा पार्टिकल्स भी दिखाई नहीं देंगे, बट उसके पैटर्न को एनालाइज करने के लिए हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर, इसको कोट कर देते हैं विद जिंक सल्फाइड मटीरियल के साथ, ठीक है, दैट इज़ फ्लोरोसेंट इन नेचर। तो आई थिंक सो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप रदरफोर्ड के लिए क्या है, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात आती है ऑब्जर्वेशंस की, कि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या देखा बच्चों, उन्होंने देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिस स्ट्रेट थ्रू द फॉयल, मीन्स कि जो 99% अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉयल में से स्ट्रेट पास हो गए हैं, मतलब 0 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं, डिफ्लेक्शन हुई नहीं, मतलब 0 डिग्री एंगल बोल सकते हैं ना उसे, ठीक है, तो मतलब वो पास हो गए डायरेक्ट फॉयल के थ्रू। सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी बच्चों कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डेविएट हो गए हैं स्मॉल एंगल से, कि जैसे यहाँ पे बच्चों यहाँ पे लाइक दिस, जैसे यहाँ पे स्मॉल एंगल पे चल जाएंगे ऐसे लाइक, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल एंगल पे वो डेविएट हो गए हैं। अब देखो ये क्या है, जैसे हम इसको बोल दें थीटा वन, इसको हम बोल दें थीटा टू, ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स क्या थे बच्चों, अब वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, हम कह सकते हैं अप्रॉक्स 1 in 12,000 पार्टिकल्स, कि 12,000 में सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो अपने पाथ पर वापस आ गया था, ठीक है, मतलब अपने पाथ पर वापस आने का मतलब क्या बच्चों, डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय 180 डिग्री, ऐसे 180 का एंगल ही हो गया ना बच्चों ये पूरा लाइन पर, ठीक है। तो अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 12,000 पार्टिकल रिट्रेस देयर पाथ, दे आर डेविएटेड बाय 180 डिग्री। तो देखो उन्होंने तीन चीज़ों को ऑब्जर्व किया बच्चों। फर्स्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं वो किससे पास हो गए हैं, दे आर पासिस थ्रू द फॉयल स्टेट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने कंक्लूड की कि कुछ पार्टिकल्स हैं दे आर डेविएटेड बाय अ स्मॉल एंगल, एंड अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, मतलब कि हम कह सकते हैं 1 approx in 12,000 पार्टिकल्स रिट्रेसेस देयर पाथ और डिविटेड बाय 180 डिग्री, ठीक है।
तो ये तीन ऑब्जर्वेशन उन्होंने एनालाइज की थी, ये ऑब्जर्व किया था। अब इनके इन पॉइंट्स के, इन ऑब्जर्वेशन के बिहाव पर उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाले बच्चों? देखो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के बिहाव पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अलॉट ऑफ स्पेस इज बिटवीन एटम, ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ में से कोई चीज़ कब पास हो सकती है, स्ट्रेट कब पास हो सकती है, जब वहाँ पे बहुत सारा स्पेस क्या हो, एम्प्टी हो। अगर स्पेस एम्प्टी नहीं होगा तो कोई दूसरी चीज़ उसमें से पास नहीं हो सकती, ठीक है। अगर सपोज़ करो हमारे पास क्या है, हमारे रूम में विंडो है और वो ओपन विंडो ओपन है, तो उसमें से अगर हम कुछ चीज़ फेंकें तो वो क्या हो जाएगी, उसमें से पास हो जाएगी। बट अगर विंडो है ही नहीं, वॉल है, तो अगर आप किसी भी चीज़ को फेंकोगे तो वो उसमें से पास नहीं होगी। तो इट मीन्स बच्चों, अ लॉट ऑफ स्पेस इज एम्प्टी एटम बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू द फॉइल, ठीक है। तो यहाँ से मैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से फर्स्ट कंक्लूजन निकाल लिया। उसके बाद इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स को पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, और जब हमने पॉजिटिव चार्ज को इसके ऊपर बम्बार्ड करवाया तो उसके यहाँ पे क्या हो गई, दे आर डेविएटेड बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है, डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। इसका मतलब उसने उसे क्या कर दिया बच्चों, रिपेल कर दिया। इट मीन्स यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर सेंटर में कोई पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव डेंस ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, हाईली डेंस ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्रेजेंट है, और जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, न्यूक्लियस। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो क्या हुई है, रिपल्शन हुई है। यहाँ से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अब यहाँ पे जो थर्ड है बच्चों, थर्ड में क्या है कि वहाँ पे जो हैवी डेंस ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जिन केस में डेविएशन मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, एट बाय 180 डिग्री। तो देखो इस कंक्लूजन्स को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था, ये ध्यान से देखना बच्चों आप। देखो वो कंक्लूजन से हमारे पास लाइक दिस, वो कहते हैं कि फर्स्ट कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी इन एन एटम, ओके, ये तो क्लियर है आपको पॉइंट। सेकेंड कंक्लूजन क्या था उनका, देयर शुड बी सम हार्ड पॉजिटिवली चार्ज हैवी ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ एटम। उन्होंने कहा कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। अल्फा पार्टिकल्स गोइंग क्लोज टू दिस डेंस ऑब्जेक्ट एंड फील रिपल्शन एंड डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, कि जैसे ही अल्फा चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स के पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे, रिपल्शन फील करेंगे और अपने पास से डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। रदरफोर्ड नेम दिस डेंस ऑब्जेक्ट एज न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने उस डेंस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा बच्चों, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन से सब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स गोइंग स्ट्रेट टू द न्यूक्लियस विल फील मैक्सिमम रिपल्शन। हो सकता है कोई पार्टिकल मैक्सिमम रिपल्शन फील कर जाए और वो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाता है एट 180 डिग्री पर, ठीक है। तो बच्चों ये क्या थे उसके ऑब्जर्वेशंस, और ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये कंक्लूजन को फाइंड आउट किया था। तो उनके कंक्लूजन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें एटम में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियर पार्ट, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर पार्ट है वो क्या है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें वही है, क्लियर है बच्चों ये चीज़ आपको। उसके बाद हमारे पास आता बच्चों रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने, ठीक है, अपनी चीज़ों को, अपनी पॉइंट्स को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था, उन्होंने इस पॉइंट को मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ठीक है, बट ये चीज़ को मैथमेटिक्स कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों, रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था, उन्होंने कहा कि जो रेडियस ऑफ एटम होती है, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-8 cm और 10^-10 m, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करोगे। ये नहीं कहा 10^-8 होती है एग्जैक्टली, इस ऑर्डर की होती है, मतलब वो 3 × 10^-8 भी हो सकती है, 4 × 10^-8 भी हो सकती है, एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10^-13 cm होती है, ठीक है,
ये चीज़ बोली उन्होंने। अब देखो उन्होंने कहा, उन्होंने तो ये कहा था ना अपने, यहाँ से वो क्या एक्सप्लेन करेगा कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज़ वेरी वेरी मच लेस देन वॉल्यूम ऑफ अ होल एटम, ठीक है। तभी वो कहते हैं ना अ लार्ज ऑफ स्पेस, अ लॉट ऑफ स्पेस इज एम्प्टी इन एटम। तो देखो दोनों वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को वॉल्यूम ऑफ एटम से डिवाइड किया। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, क्योंकि दे आर स्फेरिकल इन शेप, दैट्स वाई वॉल्यूम इज 4/3 πr³। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, देखिए आ गया 10^-15। तो देखो वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई 10^-15। इस पावर को ऊपर ले जाओ बच्चों तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंटू 10^15, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो कितना ज़्यादा है, 10^15 टाइम ज़्यादा है किससे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है। इट मीन्स उसने अपनी जो थ्योरेटिकली बात कही थी कि अलॉट ऑफ स्पेस इज एम्प्टी इन एटम, उसे मैथमेटिकली भी उसने प्रूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट भी था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, जो मेन थी हम आज तक भी यही पढ़ते हैं कि जो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन की थी और वो सही भी थी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट उसने क्या कहा कि रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। जहाँ पे आर नॉट क्या होता है बच्चों, 1.1 × 10^-13 टू 1.44, ये हम वैल्यू कंसीडर करते हैं और ये गिवन होती है हमें, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। बट अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए गिवन ना हो ये वैल्यू, तो हम क्या लेकर चलते हैं बच्चों कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए, 4/3 × 10^-13 हम लेकर चलते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। और ए क्या होता है बच्चों हमारे पास, मास नंबर, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आर नॉट की वैल्यू 4/3 × 10^-13, एम की वैल्यू क्या है बच्चों 27√27, दैट कम्स टू आउट इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट उसने क्या कहा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू sin θ/2 की पावर 4, ठीक है। उन्होंने कहा कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिट होते हैं ना, स्कैटर होते हैं डिफरेंट एंगल्स पे, वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे वैसे एन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम कहते हैं कि 30° पे ज़्यादा पार्टिकल स्कैटर होंगे और फिर 90° पे कम पार्टिकल स्कैटर होंगे, तभी हमें बोलते हैं ना 180° पर कितने पार्टिकल स्कैटर होते हैं, ऑलमोस्ट 1, कि मतलब बहुत ही कम पार्टिकल स्कैटर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम बोलते हैं ना हमेशा, तो ऐसा क्यों है। अब देखो बच्चे, sin θ/2, साइन थीटा की वैल्यूज़ क्या होती हैं, sin 30 होता है 1/2, 45 होता है 1/√2, 60 होता है √3/2, 90 होता है 1, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे sin θ/2 है, ठीक है, यहाँ जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो n θ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, बिकॉज दीज आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये क्या था बच्चों, ये था नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एनी एंगल थीटा इज प्रोपोर्शनल टू sin θ/2 की पावर 4, ठीक है। उसके बाद है बच्चों, ये मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसकी लिमिटेशन क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। देखो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि देखो न्यूक्लियस क्या है बच्चों, एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो जब एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो ये टाइम के साथ अपनी एनर्जी लूज कर देता है और ये क्या हो जाना चाहिए, इट शुड कोलैप्स विद द न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो गया बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, एटम इज़ नॉट स्टेबल। पर हमें पता है इन एक्चुअल एटम इज़ स्टेबल, एंड दैट्स व्हाई रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम गेट्स फेल्ड। और एक चीज़ और थी बच्चों, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ सच सम एलिमेंट्स, कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों, कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा, एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ
सम एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, जबकि जैसे बोहर मॉडल आएगा ना बच्चों उसके बाद, उसने भी सिर्फ हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया था, बाकी किसी के लिए भी नहीं किया था, बट इसने हाइड्रोजन के लिए भी एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो इसकी सेकेंड लिमिटेशन थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो ये तो था बच्चों हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। उसके बाद हमें स्टडी करना पड़ेगा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, पर बोहर मॉडल्स ऑफ एटम को स्टडी करने से पहले हम कुछ फिनोमिनाज हैं जो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बोहर मॉडल को समझने के लिए उन फिनोमिनाज को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आप पहले 9th क्लासेस से लोअर क्लासेस में तो आप डायरेक्ट रदरफोर्ड के बाद बोहर मॉडल स्टडी करते थे, बट प्लस वन में आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ और कंसेप्ट्स को स्टडी करना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।